के जो शर्त है नहीं भी आप सुना दो सदस्य की शर्त कहीं के रहेगी। सदस्य की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, स्थानीय निवासी होना चाहिए इसी गांव का, मतलब व्यवसाय के स्तर पर तय की गई 3 से 4 फसलों की खेती करना या करता हो। लघु एवं सीमांत काश्तकारों को प्राथमिकता, एक तो छोटा किसान, एक सीमांत, 50 बीघा वालो और कहीं को 2 बीघा वालो, तो जो लेवल में रहेगा जो उन्हें लिया जाएगा। कृषि एवं सीमांत काश्तकारों को प्राथमिकता, कृषि योग्य भूमि हो, ऐसी भूमि भी नहीं हो जो कसान ढूंढ लियो अपने डांडे चल रही हो। समूह के सदस्य 15 से 20 होंगे। अगर कोई सदस्य नया जुड़ता है तब समूह की अनुमति आवश्यक है। अगर कहीं और नए सदस्य जोड़ो आप या आपको सदस्य हटाना है तो समूह की मीटिंग लेनी पड़ेगी। 20 लोग की अध्यक्ष सचिव उनमें निर्णय लेगा। 20 लोग जो बोलेगा उनका आधार पूर्णी है। नयो जोड़नो या नयो निकालनो तो समूह की अनुमति के ही हाँ उनके बाद ही हटाओ, या तो निकालनो या जो भी बाहर जा रही हो या वो पैसा निकालना है उनका पैसा देना तो अनुमति लेबक बाद ही बाहर कर सकेगा आप। निरंतर 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर सदस्य स्वतः ही समाप्त की जाएगी। बैठक प्रति माह बैठक अनिवार्य रूप से होगी, जिसका निश्चित स्थान समय एवं दिनांक समूह द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। अब सुनिएगा, अध्यक्ष सचिव ने सोली 11 बजे करेंगे, उनकी नहीं बन रही। सभी सदस्य बता दें भाई मैं शाम को कर बचावा, तो शाम को जन टाइम पे भी किसान बोल दे कमान टाइम पे टाइम उन टाइम पे मीटिंग करनी पड़ेगी। बैठक आवश्यक होने पर 1 से अधिक भी आहूत की जा सकती है। जरूरी बैठक है, जैसे ना को सीजन चल रही हो अपनो, तो 1 दिन में 2 बैठक भी कर सको आप। बैठक में सभी सदस्यों का आना अनिवार्य है। अगर कोई सदस्य निरंतर 3 बैठक में नहीं आता है तो वह समूह से हटा दिया जाएगा। पुनः समूह में जुड़ने पर 51 रुपए जमा करवाने होंगे। जुर्माना लेना पड़ेगा उसे। समूह का जो बनावा की शर्त थी वह पूरी होगी। अब आप किसान मिलकर नियम बनाओ 10 या 5 जो भी आपका नियम है, उनको जो समूह में कहीं का नियम रखना अपने किसान के साथ, या उन नियम को सब पालन करना पड़ेगा। 10 से 20 किसान सदस्य समूह द्वारा भी नियम बनाना पड़ेगा। गठन हो उनमें समूह में आप कहीं का नियम को पालन करवाना हो या करना हो, सभी लोग एक समान रहोगे सबके साथ, तो आप चर्चा करके आपका समूह का नियम आप स्वयं बना लो, लागू कर लो, जो ना सब पालन करना पड़ा। क्योंकि नियम नहीं बनाएगा तो आज आप नहीं आया कल यू नहीं आया, तो नियम तो होना चाहिए उनको। बिना नियम से तो चालक हो नहीं समूह। 1 महीना 2 महीना मीटिंग करी, 2 महीना बाद सबके काम आ गए, कोई मीटिंग नहीं कर रही। नियम बनाओ, सबके बल के बना लो। नियमित तो बैठक होनी चाहिए, और एक जगह नहीं से समय हर समय तारीख में अपनी बैठक नहीं तारीख कर लो। अपन तारीख को अपन बैठक करनी हर महीना, और सुबह का शाम जो भी टाइम अपन फिक्स कर ला उन टाइम पे सभी है आना चाहिए, और सभी की उन्हीं में उपस्थिति हो वो जरूरी है। बिना कारण कोई भी आदमी अनुपस्थित रहे, मान लो कहीं कारण हो अगर वो बता दे अपने, वो अनुपस्थित रह जाए तो वह चलेगी। सभी सदस्य की सहमति बना के जो काम अपने करना है। पैसा संबंधित जो समिति तय कर लो के 20 रुपया 50 रुपया जो डंडूनी आदमी से अपने लेना है। बाकी जो जो सरता है, सचिव को कहीं दायित्व बने, अध्यक्ष को कहीं ये साहब बताएगा। ठीक है भैया, जो आपने नियम बना लिया सबके लिए लागू होगा ही। पढ़कर सुना दूं सब सदस्य। समूह का नियम है नियमित बैठक होगी, मतलब असुनियो के 1 महीना कर ली 2 महीने की नियम है। समय आप फिक्स कर लो, दिन फिक्स कर लो कि महीना में आप मंगलवार फर्स्ट मंगलवार करनी, कि आपको 7 बजे शाम को करनी, कि सुबह 7 बजे करनी, कि सोमवार करनी हो, आप दिन फिक्स कर लो। शाम के टाइम पे करनी तो शाम के टाइम यार महीना आपकी मीटिंग होगी। सभी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सुनिए, 20 आदमी है तो 8 ही बैठ गया भाई, उनको बिना कारण बताए कोई भी सदस्य अनुपस्थित नहीं होगा। किसी को बाहर करना है तो सभी की सहमति से ही बाहर होगा। पैसे संबंधी जुर्मान, पैसे अगर आपने उगाया तो सबका एक साथ पैसा आना चाहिए। कहेंगे ना महीना मीटिंग में नहीं दिया, तो अगला महीना में उनसे 5 रुपया 10 रुपये जो शुल्क आप जुर्माना लगावा किए वह पेनल्टी लगेगी। भी आपके समूह में नियम बनायो। अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष सभी अपना अपना दायित्व निभाएंगे। अब जो उनका दायित्व है वो आप हम बताऊँ कि अध्यक्ष का कहीं दायित्व है। लेखा विवरण व कार्रवाई प्रमाणीकरण करना, समूह सदस्यों को प्रोत्साहित करना,
बाहरी क्षेत्र में बैठक या प्रशिक्षण में भाग लेना। एक तो अंतिम निर्णय भी अध्यक्ष की अनुमति से होगा, उनके बाद में हर बैठक में आप अध्यक्ष करनी, अध्यक्ष बना मीटिंग नहीं होगी। सचिव को नियम है बैठकों की सूचना देना, सचिव को काम है बीसी किसान है सूचना देना, बैठकों की कार्रवाई लिखना हर महीना, बेटे अपन तो कई निर्णय हो साइन लेना, पत्र व्यवहार मौखिक बैठक की सूचना देना, जहाँ मल गया आप खेती बाड़ी में तो वहीं आप सूचना दे देगा, रजिस्टर अपडेट करना, लिखा पढ़ी करनी, सरकार गैर सरकारी विभाग से समूह के उद्देश्य संपर्क प्रशिक्षण प्राप्त करना है, समूह को पुनः जानकारी देना। जैसे आपका समूह से एक किसान है राजगढ़ बुला लियो, तो सचिव जाओ प्रशिक्षण या ट्रेनिंग जो भी हो रही समूह के बारे में भी लेकर आएगा, और भी किसान है शाम को या अगली मीटिंग में जब भी बताएगा कि ये निर्णय अपने समूह ने लिया है, ये काम की चीज है आप सभी करनी। अध्यक्ष का जो दायित्व है साहब वो ये कोषाध्यक्ष व्यवस्थित रख रखा हुआ संचालन करेगा, बैठक में आय व्यय का ब्यौरा देगा, कोषाध्यक्ष बैठक के सामने ये निर्णय बताएगा कि भाई हमारे पास अत्र पैसा आ गया, अन्य अत्र खर्च कर गया, अत्र बचत है, ये कोषाध्यक्ष को दायित्व है। मतलब हर महीना वो आपको एक साल को जो ऑडिट जो बोला नहीं अपन, जांच रिपोर्ट जो जांच करे बड़ा अधिकारी, हर महीना आपको रख रखाव कम्प्लीट रखना पड़ोगे, और साल भर में एक बार वो जांच के लिए जाओगे, तो उनको लिए दायित्व कोषाध्यक्ष को रहेगो को उनकी जांच करावे। पासबुक है रोकड़ भाई सुचारू रूप से लिखना, जो पासबुक है आपकी वहाँ भी जो कैशबुक है जो पैसा की आय व्यय होगी, समूह की बैठक में कार्रवाई रजिस्टर बनना अनिवार्य सुनिश्चित करना, समूह का दायित्व होगा हर महीना बैठक होगी रजिस्टर बनो आपको कार्रवाई पुस्तका पर नहीं कहीं कहीं नियम हुआ ये हर महीना लिखना पड़ेगा, हर मीटिंग में लिखना पड़ेगा दादा। दादा हमको जैसे आपको समूह गठन कर दू, आपके पास आपके गांव में बैंक हो या आपके पास के गांव में बैंक हो, तो आपको जो समूह को नाम रखियो अपन ने गोविंद कर्षक समूह, उनका नाम से खातों को लगो ना, तो माई कंपनी में जमा होगा पैसा, जहाँ समूह आयो नाम हाथ में लूंगा पैसा, पैसा भी आप ही उगाना, आपके कोषाध्यक्ष या आप भी तीन ही आदमी मिलकर उनको संचालन करेगा, अध्यक्ष सचिव उनमें दो ही मेन रहेगा, उनके नाम से खातों को लगो और उनके नाम सील बनेगी, खातों को लोगों को पछताव होगा, 20 लोगों का साइन होगा, बैंक में लगो को पछताव, तभी पैसा भी खातों को लगा। तीन आदमी कैसा कहा जाएगा, आपकी सहमति से ही तो पैसा हटेगा भी। हाँ वही तो कौन इधर के कहता को सके, आप हर महीना मीटिंग लो नहीं, हर महीना मीटिंग लो और पासबुक में एंट्री देखो, हर आदमी के पास डायरी रखो, और हर महीना जो पैसा बचत जमा कर रहे हैं आप बैंक में, तो आप अध्यक्ष सचिव से पूछ सको और पासबुक की एंट्री देख सको कि माना अतरा महीना पैसे जमा कर दिया बैंक में, वहाँ का कतरा पैसा जमा हुआ, उनको दायित्व रहेगा अध्यक्ष सचिव बताओ, आपकी सहमति आपके किसान का पैसा कोई नहीं खाओगे, आप चलावा के लिए बनाया और आपके घर का लोग नहीं, पर सही बात है, पैसा दे रहे आप आज जानकारी लो, जानकारी उनके बाद ही पैसा दो, कोई भी जानकारी सबकी सहमति से पैसा मीटिंग होगी, प्रस्ताव बनोगे आगे ना सबके, तो अगला महीना की तारीख आज ही फिक्स कर लो, कत तारीख आप मीटिंग रखेगा, उन तारीख में सुबह कते बजे आ जाऊँ या शाम को कते बजे आप मीटिंग रखेगा, कत तारीख आप अगला महीना का, फिर मंगलवार दिन रख लो, अगला महीने का, अगला महीना को पहला मंगलवार है नहीं, जो आगो महीनो उनको पहला मंगलवार, कते बजे बैठा का आप शाम को बैठो 8 बजे, हमारे बजे से नहीं है, मुझे कर दी बजे बुला के आप तो आ जाऊंगा, तो 8 बजे आ जाए, ठीक है साहब, अपन 8 बजे। जय राम जी की दादा, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम। समय फिक्स हो गयो, स्थान यही रहेगा, कहाँ आनो आप, घनी जगह आनो, ठीक है दादा, चल ना, जय राम। राम राम, हमारा नाम सूरज सिंह, पिता का नाम बापूलाल, हमने समूह बना रखे हो गोविंद समूह, और बढ़िया चल रही हो, हर महीना मीटिंग हो रही, और उनका मैं अध्यक्ष हूँ, तो हमारे हर महीना मीटिंग हो रही, समय समय पे पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं, हर महीना जमा कर रहे हैं, और हमारी खाद और बीज खरीदने की है, सोयाबीन भी लेने की है, और सभी को सहमति से हमने मीटिंग करी आज वापस, उन्हीं की राशि इकट्ठा करके नहीं हमारे वहाँ जमा कर देंगे। समूह का सचिव हूँ, मेरा नाम बीरम सिंह पवार है,
हमने हमारे समूह में सभी से पैसा इकट्ठा करके 500 रुपये इकट्ठा हो गए और सोयाबीन खरीदने के लिए हम वहाँ से डिमांड भेज रहे हैं कंपनी को। हमें समूह से ये बचत है कि समय पे हमें खाद बीज सही दाम पे मिल जाए और उससे हमें बचत भी होगी। राम राम। मैं सुल्तान सिंह पंवार, ग्राम करड़ी और गोविंद कृषक समूह करड़ी के कोषाध्यक्ष हैं और हमारा समूह अच्छा चल रहा है। हमारे समूह की लेन देन भी ठीक चल रही है और हमारे समूह में बचत भी अधिक है और हमारे समूह बचत से हम अब सोयाबीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं। उससे हम शेयर आधा शेयर गांव से समूह में इकट्ठा करके और हम एक संस्था में दे रहे हैं जिससे हमको खाद बीज मिल सके। Thank you.